नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नानक मत्ता गुरुद्वारा टहलाने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अभी उत्तराखंड की ट्रिप पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे पूर्णागिरी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे और अभी नेक्स्ट डे हम लोगों का प्लान हुआ खटीमा से आपका नानक मत्ता जाने के लिए। तो खटीमा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर आपका नानक मत्ता गुरुद्वारा पड़ता है और नानक मत्ता डैम होता है यहाँ पर है, तो बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है। जो आप देख सकते हो, ये नानक मत्ता डैम ही है। यहाँ पर काफ़ी आपको खूबसूरती नज़र आएगी और आप यहां पर आ सकते हैं। और हम लोग यहीं से, ये रास्ता आपका हाईवे भी है, बट हम लोग डैम के किनारे किनारे यहां से नानक मत्ता गुरुद्वारा की तरफ जा रहे थे, तो आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे वहां पर। ये डैम है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डैम के पास में दुकानें वगैरह भी मिल जाएंगी खाने पीने की। तो अभी हम लोग डैम से नीचे उतर गए हैं और अभी गुरुद्वारे की तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग बाइक से ही ये राइड कर रहे थे यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नानक मत्ता जो गुरुद्वारा है उसकी मार्केट में हम आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट भी है, आपको सभी तरीके की दुकानें वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश भी है, यहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका भी है, काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं। बट यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा सफाई वगैरह है यहाँ पे गुरुद्वारा के पास में। आप गुरुद्वारा देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे हम लोग गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने पहुँच गए हैं। ये गुरुद्वारा आपका है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने पर। तो अभी हम लोग बाइक पार्क करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोगों को बाइक पार्किंग के लिए जगह देखनी है, तो हम लोग बाइक पार्क करेंगे और फिर गुरुद्वारे के अंदर चलेंगे। लगे है फोटो लग गए, वहाँ जाओ बार चले सके लंगर पानी प्रसादा पानी सब चक के वापसी आओगे, टोकन दोगे तब तुम्हें वो सब सामान वापस। इसका कोई चार्ज नहीं है, सबसे बेस्ट मिलती है यहाँ, कोई चार्ज नहीं, यहाँ सेवा है। सरकार है वो आपका सब सामान वहाँ जमा करेगा, जूता चप्पल हेलमेट बैग ठीक, आप सब यात्रा कर लोगे, भंडारा छक के आओगे, टोकन दोगे तभी वापसी मिलेगी। बाई चांस अगर खो जाए तो आपका आधार कार्ड आईडी वगैरह लगेगा, उसके बाद वापसी हो जाएगा। हेलमेट यही रख दो, पूरा हेलमेट ले जाना पड़ेगा, गाड़ी की जिम्मेदारी। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी पार्किंग बनाई गई है और यहाँ पर ये जो भैया बैठे हुए हैं जो गेट पे, उन्होंने बताया यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं पड़ता है। अगर जो आप नानक मत्ता आते हैं और यहाँ पर बाइक अपनी पार्क करते हैं या कार पार्क करते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पड़ता, बिल्कुल निःशुल्क है। और आप बैग हेलमेट जो भी बताया सब वहाँ आप रख सकते हैं जब गुरुद्वारे के अंदर एंट्री करते हैं। उनको फाइनली गुरुद्वारा दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुद्वारा ये। तो अगर आप इधर आ रहे हैं तो आप यहाँ के आके ज़रूर इसे विजिट करिए, टहलिए, देखिए यहाँ पर। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं कैसा क्या यहाँ पे रहने वाला है। पार्किंग में बाइक वाइक खड़ी करके यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, दुकानें वगैरह भी हैं आसपास। तो अभी आगे आपको दिखाते हैं गुरुद्वारे के अंदर, अगर अलाउ होगा फ़ोन से वीडियो बनाना तो हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, और अगर अलाउ नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो ये फ्रंट गेट था यहाँ पे और यहीं से हमें पता चला यहाँ पे अपने बैग वगैरह जमा करने होते हैं सारे, जो कि वो भी बिल्कुल निःशुल्क ही है। तो आगे देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है। तो हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बैग वगैरह आप जमा कर सकते हो, वो भी निशुल्क है बिल्कुल। बैग घर बना हुआ है यहाँ पर और हेलमेट वगैरह भी इसी के साथ में जमा हो जाता है यहाँ आप लोगों का।
तो ये जो कैंपस है यहाँ पे, ये आपका गुरुद्वारा का परिसर है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है बाहर से देखने पर भी और अंदर से भी देखने पर। तो आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर मत निकालना। अंदर नहीं मिला यहाँ बोला गया था। अरे वाह, ट्रेन बना के चल रही है। हेलो हेलो, ट्रेन बन रही है। वो अब वो रफ्तार में आई। ये देखा तुझे, रुक जा रही।